बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 76 पे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक होता है लुब्रिकेशन, आप जब मशीन के पार्ट्स उसी पे चल रहे होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं उनको लुब्रिकेट करते हैं, ऑयल उनको देते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जब आप उनको चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसकी जो चेन है या कोई और जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपने लुब्रिकेशन करनी होती है, या तो ग्रीस यूज़ करते हैं या आप ऑयल मोबल ऑयल यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वो थोड़े से स्मूथ होते हैं और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, ठीक है। फिर ये कि जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उनको स्मूथ बना दें, ठीक है। उनको आप स्मूथ कर देंगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जैसे जो टायर होते हैं गाड़ी के, उनमें उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाता है थोड़े से कट्स बने होते हैं, तो वो क्या होता है कि आपने वो उसको अनस्मूथ किया जाता है, ठीक है। तो जब वो पुराने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, तो वो डिज़ाइन ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और वो फ्लैट सरफेस शुरू हो जाती है बनना, तो फिर फ्रिक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, सही है। तो यह है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि सर्फेसिस जो स्लाइड कर रही है उसके ऊपर उनको आप स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। ये हम पढ़े हैं मैथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर एक होता है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग ये होता है कि आप जो है ना चीज़ की जो शेप है वो इस तरह से बनाते हैं कि उसको कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। जैसे आप देखें कि जैसे फिश जो है वो वाटर में चलती है, स्विम करती है, तो उसी तरह से उसी की शक्ल के पैटर्न पे जो है वो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, ताकि उनको आगे से हवा जो है वो कम से कम जो है वो आए, या जो बर्ड्स हैं उनकी शेप कह लें, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं वो भी, उनकी भी जो ना वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है कि आगे से उनको वो कम से कम हवा पड़ती है, ठीक है। तो यह कि मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है, सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। यानी जो कार है वो आपको कभी भी रेक्टेंगुलर शेप नज़र नहीं आएगी, स्क्वायर शेप नज़र नहीं आएगी, उसकी खास जो है ना वो उसकी बनाते हैं उसकी शेप, ताकि उसको आगे से फ्रंट से कम जो है वो एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, ठीक है। जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, उनके जो हेलमेट्स वगैरह होते हैं, वो भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, ताकि उनको कम से कम जो है हवा आगे से पड़े, रेजिस्टेंस जो है ना वो एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीम लाइन शेप, फिश शेप, सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइजेज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड्स। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो बॉल बीयरिंग यूज करते हैं, या उनको रोल बीयरिंग कहते हैं। जो मशीन्स हैं उनके पार्ट्स जो है वो आपस में रगड़ने की बजाय, ठीक है, वो फ्लैट जो है उसी पर रगड़ने की बजाय आप उसमें बॉल बीयरिंग ऐड कर देते हैं, ताकि वो मूवमेंट शुरू हो जाए। उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएंगे। यूजिंग बॉल बीयरिंग्स आर रोलर बीयरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि वो पार्ट्स जो है उसी पर स्लाइड ना हो, वो रोल करना शुरू कर देगा, जो बॉल बीयरिंग है उससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है।